अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं आप लोग? आज जो हमारा डिस्कशन है, जो बुनियादी तौर पर वो एक ऐसी डिस्कशन है जिससे हमारी कौमें बनती हैं, हमारे नौजवानों के रवैये डेवलप होते हैं, और जो एक वेलफेयर सोसाइटी होती है, जो एक अच्छी सिविलियंस होते हैं, वो कैसे मतलब तैयार किए जाते हैं, उसके तैयारी में किन अफराद का एक कलीदी किरदार होता है। तो इस मौजू पे हमारा जो आज डिस्कशन है वो है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर का एक रोल सोसाइटी के अंदर इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में नहीं समझाया जा सकता कि अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। मुअल्लिम होना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जब एक जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है तो उतने आपके रवैये ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पर अमूमन दो तरह के पैराडाइम्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रिवेल करते हैं। एक जो फर्स्ट पैराडाइम है वो है टीचर फोकस। टीचर ये समझे कि मैं सब कुछ जानता हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वो मनो अन वैसे ही तस्लीम किया जाए और वैसे ही उस पर अमल किया जाए। वट एवर आई से स्टूडेंट्स आर बाउंड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। दूसरा जो पैराडाइम है वो है लर्नर फोकस। टीचर मिलकर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक टीम की शक्ल में उस लर्निंग के प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं। अब जो पहला पैराडाइम है ये हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स के बारे में टीचर्स का अक्सर ये मौक़िफ सुना, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है तो मैं अक्सर ये सुनता हूँ कि टीचर्स ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई इन बच्चों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। ये बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, फीस देते हैं, चले जाते हैं, इससे ज़्यादा हमारा इनसे क्या ताल्लुक है। अगर आप इनसे ज़्यादा फ्री होंगे तो यह आपकी इंसल्ट कर देंगे या आपकी जो रेप्यूट है उसको डैमेज करेंगे। ये बात कुछ सम एक्सटेंड दुरुस्त है, लेकिन इसके दुरुस्त होने में भी ख़ास अमल है। जब आप एक सेफ डिस्टेंस को फॉरगेट करेंगे, एक सेफ डिस्टेंस जो होना चाहिए था आप में और एक स्टूडेंट के अंदर, जब आप उसकी हदें क्रॉस करेंगे, जब आपके मन में स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा फ्रैंकनेस आ जाएगी, तो भाई फॉल्ट तो मेरा ख्याल है ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर है कि उसे ये समझ आनी चाहिए थी कि मैं कहाँ पे मेरा सेफ डिस्टेंस है बच्चे के साथ। अब जो लर्नर फोकस है, दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टीचर्स का एक स्पेसिफिकली एक करेक्टर है। वो बच्चों के साथ अगर खेलते हैं तो ऐसे खेलते हैं जैसे कि एक बेहतरीन दोस्त खेल रहा है। आज भी अगर हम अपनी तारीख में देखें या अपने गर्दोनवाह में देखें तो जो टीचर अच्छे होते हैं, जिनको सोसाइटी कह रही होती है अच्छे होते हैं, आप उनके रवैये ऑब्ज़र्व करें, वो उस इंस्टीट्यूट की बाउंड्री से बाहर मिलेंगे बच्चों से तो ऐसे मिलेंगे जैसे उनके अपने बच्चे हैं, खंदा पेशानी के साथ उनसे बातचीत की जाती है। अगर वो कोई राज उन टीचर से डिस्कस करते हैं तो वो राज को राज रखते हैं। खेलते हैं तो उनके साथ बेहतरीन दोस्त बनकर, उनका टीम लीडर बनकर खेलते हैं ताकि उनको वो स्पोर्ट्समैनशिप सिखाई जा सके। अब ये तमाम वो अमूर हैं जो कि एक टीचर को करने चाहिए। अगर एक बच्चा नहीं पढ़ रहा प्रॉपरली तो आप टीचर बहसे तो टीचर आप पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप उसके मसले को डायग्नोज करने की भरपूर कोशिश करें। महज इसलिए उसको सज़ा मत दें कि वो काम नहीं कर रहा। अब जब वो काम नहीं कर रहा और आप उसको सज़ा दे रहे हैं, अल्लाह जानता है उसे क्या प्रॉब्लम है, तो आपने उसके लिए मरहम का काम तो ना किया।
तो नमक का काम जब करेंगे तो जाहिर है फिर तकलीफें और चीखें एक उसका रिजल्टेंटली फिर आपको फील तो होना ही है। तो मेरे डियर फेलोज, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारा कीमती एसेट हैं। हमने इनकी तरबियत के लिए अपनी तरबियत करवाना ज़रूरी है। आईटी का इस्तेमाल करें, चीज़ों को पढ़ें, ये सीखें कि बच्चों को किस तरह के से हम हैंडल कर सकते हैं, ये सीखें कि बच्चों के साथ हमारा एक अच्छा बॉन्ड कैसे डेवलप हो सकता है, बच्चों को जो पढ़ाएं उसका प्रैक्टिकल टच उनको देने की कोशिश करें इफ़ इट इज़ पॉसिबल। लैंग्वेज सिखाने का एक ख़ास ट्रेंड है, उस तनाजुर में आप अपनी रिसर्च को, अपने R&D सेक्टर को बेहतर करें ताकि आप उस तनाजुर में बच्चों की तैयारी करवा सकें। साइंस सब्जेक्ट से उनको अच्छे तरीके से पढ़ाएं, प्रैक्टिकली एतबार से पढ़ाएं। जो चीज़ आपकी प्रैक्टिकल नहीं है, जो हवाई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, तो नतीजतन वो रवैया डेवलप नहीं होगा जो इस वक्त हमारी सोसाइटी की अशद ज़रूरत है। स्कूलों के अंदर अपने टीचर्स की ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाएं, उनको केस टू केस उनके साथ डिस्कस करें। अपनी क्लास में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा एवरेज है, कौन सा अबव एवरेज है। आपको कैटेगोरिकली हर एक का पता होना चाहिए। उनके पेरेंट्स से रबते करें, बच्चों को देखें। जब हमें ये एहसास हो जाए कि हमारा वेलविशर कौन है, तो फिर उसकी इज्जत हमारे दिल में आना एक फितरी अमल है। जब स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे लिए कौन सा टीचर है जो ज़्यादा पेन ले रहा है, कौन सा टीचर है जो हमारा ज़्यादा वेलविशर है, तो आप क्या समझते हैं कि उस बच्चे के दिल में आपके लिए इज्जत का पैदा होना यकीनी ना है? बिल्कुल यकीनी है। तो ये सिर्फ आज डिस्कशन थी बच्चों के साथ, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक अच्छा माहौल रखें उनको, लेकिन कंट्रोल्ड मिस्टेक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब अपनी हदें क्रॉस करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। क्लास में आप हैं, जो आपने एक प्लान, डिसिप्लिन का एक प्लान चार्ट किए, तैयार किया हुआ है, उसको अगर कोई बच्चा वायलेट करे तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी आपका बनता है, जो पेनल्टी आपने उस पर डिसाइड की हुई है, वो पेनल्टी दें। कतन इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को बिल्कुल ही कुछ मत कहें। लूज द बेबी और स्पेयर द बेबी, स्पॉइल द बेबी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बच्चे से कुछ मत कहें। जो आपने अपने स्पेसिफिकली एक क्लास के अंदर जो रूल्स और जो डिसिप्लिन आपने डिसाइड किए हुए हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी किसी को मत करने दें। अगर कोई बच्चा उनको वायलेट करता है तो उस पर एक सज़ा का तायुन जो आपने मुकर्रर किया हुआ है आप वो सज़ा दें। उस सज़ा के तायुन के लिए भी ज़रूरी है कि आपकी वर्डिंग बड़ी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। आपकी वर्डिंग, आपसे बच्चा सीखेगा, ये भी सीखेगा कि गुस्से में आप आएंगे तो आपने किस तरह बिहेव को रिजेक्ट करना होता है। गुस्से में आकर हम ओए, तू, त्रा या अब्यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ द मैसेज जो एक स्टूडेंट्स को जा रहा है कि गुस्से की हालत में आप इस तरह कंडीशन कर सकते हैं, ये आपके लिए अलाउड है। तो होप्स हो कि आप कुछ चीज़ें जो हैं मैंने कोशिश की हैं कि आपके साथ शेयर की जाएं, कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, हमेशा टीचर का जो पैराडाइम है वो कोशिश करें कि वो लर्नर फोकस पे होना चाहिए, ना कि वो टीचर पैराडाइम हो, वो टीचर फोकस नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि ये होना चाहिए हम सब सीखते हैं मिलकर। हम भी बच्चों से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, उनके रवैयों से सीख रहे होते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कभी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो बच्चों के ख़ास स्पेसिफ़िकली उस बिहेवियर की वजह से हमें समझ आ जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बात तवज्जो से सुनी होगी। इस पर कोई कमेंट आपका है तो आप यकीनन शेयर किया करें। जहांगीर एकेडमी लाहौर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि बेहतर से बेहतर वीडियोस जो हैं वो हम कोशिश करें कि आपके लिए लेकर आ सकें। इसके लिए यह है कि ज़रा वीडियो शॉर्ट होती हैं, आप कोशिश किया करें कि पूरी वीडियो को सुना करें।
मैं इसके लिए आपका मुल्तमिस हूँगा। बहुत शुक्रिया।